हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम हियर एट काशी पार्लर। मैं आई हूँ यहाँ पर केराटिन ट्रीटमेंट करवाने, बट मैंने फिर प्लान चेंज कर लिया था और फिर मैंने करवाया एक्सटेंसो। ओके, तो मेरा प्रोसीजर जो है एक्सटेंसो का वो स्टार्ट हो चुका है। पहले मेरा हेयर वॉश हुआ था, उसके बाद मुझे जो है ट्रीटमेंट दिया गया था, और फिर वहाँ की जो स्टाफ थी उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। फिर हम बातें करते जा रहे थे और वो अपना काम करती जा रही थी, इससे मुझे भी अच्छा लग रहा था और उनको भी काम करते हुए मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं हेयर वॉश करवा के ऊपर वाले सेक्शन में आ गई हूँ और फिर मेरे अब होंगे हेयर ड्राई। अच्छा, तो अब हो रही है क्रीम की एप्लीकेशंस। अच्छा, क्रीम की एप्लीकेशन होके उनने सर जो था वो मेरा कवर कर दिया था, तकरीबन 30 मिनट आई थिंक सो। और ये आंटी शायद घर से लड़की आई थी, तो फिर बेचारी बहुत परेशान थी अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए। खैर, फिर मेरा जो था वो एक लुक आ गया था उन्होंने क्रीम के बाद। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, फिर से मेरा जो है एक शायद कोई शाइनर वाइनर लगना था, और उसके बाद फिर से मेरे हेयर वॉश हुए और अब फिर से हेयर ड्राई होंगे और उसके बाद होगी कटिंग। अच्छा जी, तो अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो आप, तो ये जो लड़की है इसका नाम मुझे नहीं पता ये, पर मुझे इससे बहुत सर्टिफिकेशन मिली अपना काम करवा के, और इनका बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा था। और जब मैं सेकंड वॉश लेने गई थी, फर्स्ट वॉश आई थिंक सो, तो फिर भी इन्होंने मुझे अच्छे से बहुत ट्रीट किया। सो थैंक यू सो मच। और ये है मेरा फाइनल लुक। और अब ये कह रही थी कि भाई आप अपनी कटिंग करवा लो, क्योंकि जो डैमेज हेयर्स हैं वो एटलीस्ट रिमूव कर दो आप। फिर मैंने कटिंग ज़्यादा तो नहीं करवाई, पर फिर थोड़ी बहुत मुझे करवानी पड़ी, क्योंकि मेरी हेयर की ग्रोथ बहुत ही कम होती है, तो मैं कटिंग से बहुत अवॉइड करती हूँ। सो फाइनली डन विथ द एक्सटेंसो एट काशी पार्लर। अब मुझे एक बेस लेना था, जो कि मैंने बेस लिया और फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।